ये मोदी जी की घबराहट है, मोदी जी डर गए राहुल गांधी से। और हम बता देते हैं कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है। अगर राहुल जी को बेल नहीं मिली तो बीजेपी सुन लेना, ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग, अगर राहुल जी को बेल नहीं मिली तो। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की जो अपील की डिफेमेशन केस में सजा की उसको रिजेक्ट किया, और उसके बाद एआईसीसी में जबरदस्त नारेबाजी का दौर चल रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और इसके साथ साथ राहुल गांधी संघर्ष करो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने जो अपील दी राहुल गांधी को उसको निरस्त कर दिया है। ये मोदी जी की घबराहट है, मोदी जी डर गए राहुल गांधी से। और हम बता देते हैं कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है। अगर राहुल जी को बेल नहीं मिली तो बीजेपी सुन लेना, ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग, अगर राहुल जी को बेल नहीं मिली तो। बेल मिलना तो कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट कह रहा है कि ये एक्सेप्शन होता है बेल, ये इसको इस पे रोक लगाना, ये रेगुलर तौर पे नहीं किया जा सकता। देखिए ये जिस तरह देश में तानाशाही सरकार है, जिस तरह राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं, जिस तरह राहुल गांधी जी की लोकप्रियता है उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। लेकिन आने वाले 2024 में मैं आप इधर भी देखिए, आप इधर भी आपको लगातार नारेबाजी होती हुई दिखाई देगी, लोग बड़ी संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को क्या उम्मीद थी, यही होगा फैसला, ऐसा ही होगा गुजरात हाई कोर्ट में? देखिए हमारे को यह विश्वास था कि सच्चाई जरूर जीतेगी, लेकिन राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। हमें भारत की न्यायिक प्रणाली पर 100% भरोसा है, सच्चाई की जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी जरूर जीतेंगे और 2024 में भारत का नेतृत्व करेंगे। इधर भी लगातार नारेबाजी चल रही है, आपको दिल्ली कांग्रेस के भी कार्यकर्ता दिखाई देंगे एआईसीसी में जो नारेबाजी कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, परेशानी बढ़े। राहुल गांधी को जितना अंगारों में चलाओगे वो और मजबूत होंगे, और 2024 में हमारे को उम्मीद है वो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। आगे का रास्ता क्या है, फिलहाल तो एमपी नहीं बने, हमें सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया कि जो डिफेमेशन केस में सेंटेंसिंग है राहुल गांधी पे की उस पे स्टे नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद एआईसीसी में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया, जबरदस्त नारेबाजी हो रही है और सबका यही कहना है कि अब उम्मीद कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से है।